ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्थित पवित्र जन्नती दरवाजा। कहते हैं इसी दरवाजे से महान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती इबादत के लिए गए थे। चायरीन, इसी दरवाजे से ख्वाजा की मजार जाने के लिए लालयत रहते हैं। कहा जाता है जो भी इस जन्नती दरवाजे से होकर आस्ताने शरीफ में ज्यादत करने के लिए दाखिल होता है उसे जन्नत नसीब होती है। चायरीन, बंद दरवाजे को चूम कर उस पर मन्नत का धागा बांधते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वे अपना धागा यहाँ खोलने आते हैं और अपने गले में बांध लेते हैं। कहा जाता है यहाँ की मन्नत गारंटी से पूरी होती है। दरवाजा है, अच्छा, जन्नती दरवाजा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोग मन्नत मुराद मांगते हैं वो सब पूरी होती है। तो यहाँ पे जादू टोना होता है, वाला होता है, सब लोग यहाँ बैठते हैं आगे। यहाँ बैठने के बाद जो भी होता है उनका सब दूर हो जाता है। अच्छा, सब लोगों का मानना है कहीं नमाज की अकीदत है, इसलिए सब लोग यहाँ पर आके बैठते हैं। तो जन्नती दरवाजा तो बोलते हैं, जन्नती दरवाजा ये पीर वली करीम से है। उसके अंदर यहाँ पर जो है दरवाजा सिर्फ साल में चार मरतबा खुलता है। अच्छा, उर्स में खुलता है, ईद बकरीद और मुहर्रम में खुलता है। बाबा के पीर के उर्स आते हैं ईद के बाद, उसमें खुलते हैं। अच्छा, चार मरतबा खुलता है। ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर ये दरवाजा रजब महीने की चांद रात को सुबह 4:30 बजे खोल दिया जाता है। इसके अलावा ख्वाजा साहब के गुरु हजरत उस्मान हारूनी के उर्स मौके पर एक दिन के लिए दरवाजा खोला जाता है। ईद और बकरा ईद पर भी एक एक दिन के लिए दरवाजा खुलता है। अक्सर यहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटी और बड़े राजनेता अपनी मन्नत लेकर आते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपनी लव लाइफ और फिल्मों के सक्सेस को लेकर यहाँ आते हैं और मन्नत का धागा बांधते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।